यूजफुल इंग्लिश क्वेश्चन विद उर्दू मीनिंग. क्या सोचा जा रहा है? वॉट इज़ बींग थाट? वॉट इज़ बींग थाट? चूँकि पैसिव सेंटेंस है, सोचने वाला मौजूद नहीं है और कंटिन्यूस में है, इसलिए इसके साथ बींग और वर्ब की थर्ड फॉर्म थाट यूज़ हुई है. वॉट इज़ बींग थाट? आजकल किससे मिला जा रहा है? हु आर यू मीटिंग नाउ अ डेज? हु आर यू मीटिंग नाउ अ डेज? अब क्या किया जाए? वॉट टू डू नाउ? वॉट टू डू नाउ? क्या सारी प्लानिंग हो गई है? इज़ ऑल द प्लानिंग डन? इज़ ऑल द प्लानिंग डन? तो क्या फैसला किया गया? सो वॉट वॉज डिसाइडेड? सो वॉट वॉज डिसाइडेड? ये भी पैसिव है, पास सिंपल है, इसलिए वॉज के बाद डिसाइडेड आया. तो अब क्या करना चाहिए? सो वॉट शुड बी डन नाउ? सो वॉट शुड बी डन नाउ? ये भी पैसिव है, इसलिए शुड के बाद बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डन आया. सो वॉट शुड बी डन नाउ? इसे कौन कर सकता है? हु कैन डू इट? हु कैन डू इट? आखिर ये कहाँ जा सकता है? वेयर इट कैन गो? वेयर कैन इट गो? वेयर कैन इट गो? कोई भी चीज़ है जो नहीं मिल रही, उसके लिए कह रहे हैं कि वेयर कैन इट गो? तुम बता क्यों नहीं देते? वाई डोंट यू टेल मी? वाई डोंट यू टेल मी? क्या हम फिर दोबारा मिलेंगे? विल वी मीट अगेन? विल वी मीट अगेन? मुझे कैसे पता हो सकता है? हाउ कुड आई नो? हाउ कुड आई नो? क्या वो झूठ बोल सकता है? कैन ही लाई? कैन ही लाई? अब क्या हो सकता है? वॉट कैन बी डन नाउ? वॉट कैन बी डन नाउ? क्या वो पैसे वापस कर देगा? विल ही रिटर्न द मनी? विल ही रिटर्न द मनी? तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? वाई डोंट यू डू एनी थिंग? वाई डोंट यू डू एनी थिंग? क्या वो दोबारा कॉल करेगा? विल ही कॉल अगेन? विल ही कॉल अगेन? क्या तुमने कुछ महसूस किया? डिड यू फील एनी थिंग? डिड यू फील एनी थिंग? अब हम क्या करेंगे? वॉट विल वी डू नाउ? वॉट विल वी डू नाउ? हम लोगों को क्या जवाब देंगे? वॉट विल वी आंसर टू पीपल? वॉट विल वी आंसर टू पीपल? क्या वो ठीक से ड्राइव कर सकती है? कैन शी ड्राइव प्रॉपरली? कैन शी ड्राइव प्रॉपरली? क्या तुम ये कर सकते हो? कैन यू डू इट? कैन यू डू इट? अब हम कहाँ जाएंगे? वेयर विल वी गो नाउ? वेयर विल वी गो नाउ? क्या तुम किसी से उधार लोगे? विल यू बोरो फ्रॉम समवन? विल यू बोरो फ्रॉम समवन? कौन हमारी मदद करेगा? हु विल हेल्प अस? हु विल हेल्प अस? क्या तुम हार मान लोगे? विल यू गिव अप? गिव अप मीन्स हार मानना, छोड़ देना. क्या तुम हार मान लोगे? विल यू गिव अप? क्या वो वाकई यहाँ से चले जाएंगे? विल दे लीव हेयर? विल दे लीव हेयर? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो आज से इन सेंटेंसेस को, इन क्वेश्चंस को इंग्लिश में बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए. कीप स्टेइंग विद अस. थैंक्स फॉर वॉचिंग.